ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ 62 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 93 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਲਸੀ ਪੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 23% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 75% ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 69% ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 1 ਸਪਟੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਝੇ ਬਤਾਤੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਮੇ अपना जन्मदिन मना रहा है। 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। 62 वर्ष भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने सफलतापूर्वक अपने पूर्ण कर लिए हैं और अपने उद्देश्य में हमने इसको सार्थक किया है। जीवन बीमा का प्रचार प्रसार ग्रामीण स्तर तक भारतीय जीवन बीमा निगम ने किया है तथा लोगों का पैसा लोगों के भला कल्याण में लगाया जा रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि भारतीय जीवन बीमा निगम कि जब स्थापना हुई थी तो केवल 5 करोड़ की पूंजी तथा साथ ही साथ 352 करोड़ की संपत्ति के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपना कार्य प्रारंभ किया था। आज हम लगभग 29 करोड़ पॉलिसी धारकों को हम लोग सेवा प्रदान कर रहे हैं और 28.45 लाख करोड़ से अधिक का टोटल एसेट्स LIC के पास है तथा 25.84 लाख करोड़ से अधिक का लाइफ फंड है। एक बात अन्य मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, पिछले साल हमारा मार्केट शेयर पॉलिसीज के अंतर्गत 75.67% रहा पॉलिसीज में और प्रीमियम में 69.40% मार्केट शेयर रहा। ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि पॉलिसी भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रति लोगों का विश्वास आज भी कायम है और आने वाले समय में हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने पॉलिसी धारकों को और आने वाले समय में बेहतर सेवा प्रदान करते रहें। लुधियाना तो गुरमीत निजर की रिपोर्ट, कैमरामैन रवि शर्मा के नाल, Fox.Punjabi, your city, your news.